जो मैंगो प्लांट है, अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इस पर किस प्रकार ग्राफ्टिंग किया है और कहाँ से कटिंग किया है। आप कब कब इस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पौधा है तो इसमें आप कैसे मल्टी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मल्टी ग्राफ्टिंग क्या मोटे पौधे में कर सकते हैं। ये देखिए बहुत मोटा सा पौधा था, मैंने ये देखिए यहाँ पे कट कर दिया है। और देखिए आपको नीचे तक भी दिखा रहा हूँ, देखिए कितना मोटा सा पौधा, कितना स्वस्थ और सुंदर है। और यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग कर दिया है, क्या ग्राफ्टिंग 100% रिजल्ट देता है कि नहीं, क्योंकि आज इस पर मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंगो प्लांट पे ग्राफ्टिंग का वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया है, क्योंकि मैं आपको अपने हर वीडियो में आपको देखिए मैंने जो ग्राफ्टिंग किया है, इस सारे पौधे में ग्रोथ हुआ है, एक भी ग्राफ्टिंग फ्लाफ नहीं, यानी सारे पौधे सक्सेस हो गए हैं। जो साइंस कैसे लेना चाहिए और साइंस सिलेक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपका पौधे का हाइट लगभग 10 फीट 15 फीट का है तो आप उस पर कैसे मल्टी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए कभी भी ग्राफ्टिंग करें तो आपको टाइमिंग के महत्व पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कभी भी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांसेस कब ज़्यादा आते हैं, कब सक्सेस होने के चांसेस कम आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पौधे में जो साइन का ज्वाइन करेंगे तो मैं रवि आज मैं आपको मल्टी ग्राफ्टिंग के बारे में कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि मल्टी ग्राफ्टिंग करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक करें, रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करें। अगर आपको न समझ आए ठीक है तो मेरे से उसके बारे में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके एक मोटा सा पौधा है, लगभग देखिए मेरा हाथ में देखिए पूरा, देखिए अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तभी मैं इसमें मल्टी ग्राफ्टिंग किया हूँ। आखिर मल्टी ग्राफ्टिंग करते समय सबसे मेन आवश्यक बातें क्या क्या है, क्योंकि मल्टी ग्राफ्टिंग करते समय आप सबसे पहले एक बड़ा सा पौधा है, 6 फीट का हो या 10 फीट का हो, उसको आप अपने हाइट के अनुसार यानी लगभग इसको मैंने 5.5 फीट के ऊपर से इसको हमने कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद इसमें मैंने ग्राफ्टिंग किया है, और ग्राफ्टिंग किन किन पोजीशन में किया है, और ग्राफ्टिंग करते समय मैंने इनमें बहुत बारीकियों का ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, आपको मैं जूम करके भी दिखा दूँगा। अभी जो मैंने इसमें मल्टी ग्राफ्टिंग की है ना, सब में आप देख रहे हैं जो उसमें से बद दिखना या ग्रो होना प्रारंभ हो गया है, तो आप इस पोजीशन में रहे तो आप कैप को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखिए कवर से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ हो जाए। क्योंकि आप कभी भी ध्यान दें, मल्टी ग्राफ्टिंग करना हो तो आप ब्रांच में ही ग्राफ्टिंग करिएगा, तभी आपका इस प्रकार से न्यू ग्रोथ अच्छे ग्रोथ आएंगी। क्योंकि आजकल के यूट्यूब पे बहुत लोग आपको फेक वीडियो बना के दिखा रहे हैं, जिससे आपका पौधा ख़राब होगा, साइन ख़राब होगा, समय ख़राब होगा और पौधा का अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि मल्टी ग्राफ्टिंग करने का सबसे यह बेस्ट और आसान तरीका है, जिससे आपका पौधा अच्छा होगा, फ्रूटिंग जल्दी आएगा और जो साइन का जो ग्रो होगा वह सबसे बेस्ट और अच्छा होगा। क्योंकि इस प्रकार से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मैंगो ग्राफ्टिंग का बना दिया है। बोलिएगा रवि मैंगो प्लांट ग्राफ्टिंग वीडियो या रवि मैंगो प्लांट मल्टी ग्राफ्टिंग वीडियो तो आ जाएगा। ये देखिए साइन है, साइन में जब आप देखिएगा, जब एक हफ्ते के अंदर अब लगे या साइन में फुटाव जारी हो रहा है, तब आप इस प्रकार से साइन को कट कर लीजिए। साइन को आप ब्लेड के माध्यम से कट कर सकते हैं, या तो नाइफ के माध्यम से, या किसी कतर के माध्यम से आप काट सकते हैं।
क्योंकि साइन जो सिलेक्शन सबसे बेस्ट होता है, जब आप सही से साइन सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका जो साइन ख़राब होने का चांसेस आता है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा ज्वाइन कर दें अगर साइन आप अच्छा नहीं लेंगे तो आपका साइन के साथ साथ पौधे ख़राब होने लगते हैं, पौधे सूखने के चांसेस भी आते हैं और साइन भी, क्योंकि जब इस प्रकार से आप साइन को चुनाव कर लेंगे तो आपके लिए सक्सेस होगा। आपको मेरे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।